उन्होंने पूछा पापा से, ये लड़का कौन है करके, बोला मेरा बेटा है करके, इसको कहा तो देखा है मैंने, इसको कहा तो देखा है, लाई चप्पत आता बढ़ लो बॉम्बला बढ़ लो मारा बढ़ लो। वेलकम बैक टू चैनल गाइज, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज तो है ब्लैक का वर्कआउट, टुडे इज मंडे फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अगर किसी को मालूम रहेगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो आई कैन चेक इट आउट। आणि हा मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना। हा मला माहिती आहे एक दिवस लेट झालोय मी, तरी पण गोड बोलण्यासाठी थोडी ना काळ वेळ लागतो किंवा तिळगुळ लागतं खायला, पण तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला, आमच्या पाठीमागं पण गोड गोडच बोला। मला माहिती आहे पाठीमागं कोण वाईट बोलत नाही कोणाच्याच, तरी सुद्धा गोडच बोला, गोडच बोलत राहावा, असंच आम्हाला गोड गोड सपोर्ट करत राहावा यूट्यूबसाठी। वर्कआउट स्टार्ट कर देते अभी, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे व्लॉगिंग के लिए टाइम गलाऊंगा मैं उतना ज्यादा लेट हो जाएगा आगे। अच्छा हमको सिखा रहा है, वापिस फिर घर पे तांडा हो जाएगा, तो उससे अच्छा जल्दी से वर्कआउट स्टार्ट करते, जल्दी से खत्म भी कर देते। अरे मग मग प्लीज नाराज का होतो लगेच तुझ्याकडे कॅमेरा घेतलो लगा काय रे बायको सीरियस गुफ्तगु गुफ्तगु सीरियस पार्टनर्स तरीका है भीख मांगने का। Dad, come on. Okay.
मला छेडू नकोस म्हणजे असं तू जायचं होतं ना तुला तर काहीच करता यायचं नाही मी बोलतच नाही भाऊ कॅमेरा शाय मी कॅमेरा शाय आधी मी झाले हो काय चालू नुसता धूर ऐसे गाडी को धक्का देते हुए हम पहुंच गए दुकान पे गाड़ी तीन चार दिन से यहाँ पे खड़ी थी उसके छह के छह टायर रिमोल्ड कर दिए थे इसलिए वो चार पांच दिन से यहाँ पे खड़ी थी इसलिए उसका बैटरी भी डाउन हो गया था शायद इसलिए गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी तो हम लोग सब मिलकर उसको धक्का दे रहे एक ट्रक को हम लोग सब कितना 5 to 6 पीपल तो पापा भी थे उसमें धक्का मारने के लिए तो लेकिन वो एक एट लास्ट इट इज़ अ ट्रक सो वो कुछ स्टार्ट तो होने नहीं वाला था तो दूसरा ही ट्रक आया तो रिमोल्ड के लिए उसके भी टायर रिमोल्ड करवाने पूरे तो उसके मदद से हमने खींचा उनको क्लिप दिखा दूंगा मैं क्लिप देख लेना क्लिप तो देखा ही रहेगा आपने वो तो दिखा दूंगा क्या काय बोलते मी पण तो आज भी बहुत सारा काम है पूरे ट्रक के टायर खोलने के उसको वापस चेक भी करना होगा रिमोल्ड करने के लायक है कि नहीं तो उसमें दिन जाएगा आज तो जो बाजू वाला हमारा गैरेज है वहाँ पे उधर भी बहुत सारे गाड़ियाँ आए थे सुबह सुबह तो उनके पास भी आज बहुत सारा काम है मतलब पैसों की बारिश होगी वहाँ पे भी ऐसा ही पैसा होगा यहाँ पे भी बहुत सारा काम है यहाँ भी काम बहुत जोरों शोरों से हो रहा है पूरा पत्रा वित्रा पूरा लगा रहे ऊपर दूर तक बिठा दिया है तो इनका भी काम बहुत चालू है तेजी से दिनेश भाई पूरा हाईवे टच होटल बनने वाला है तो इसका बेनिफिट हमें भी होगा सबको होगा खाना भी फ्री में मिल जाएगा मजे ही मजे सबके अभी मजा आएगा ना भिड़ो तो ऐसे ही सबको काम मिलता रहे सबके बिजनेस ऐसे ही चलते रहे यही हमारी शुभकामनाएं सबके लिए और ऊपर से जो जॉब कर रहे उनके तो बहुत अलग ही मजे चल रहे वो हम लोग का क्या है कभी काम आता है कभी नहीं आता लेकिन जॉब इज अ जॉब तो उनका अलग ही मजा है अबे साले हो भाई जिंदगी कभी कभी ऐसे लग जाते हैं ना 7-8 साल पहले जब स्कूल में था मैं एक छोटा सा झगड़ा हो गया था दोस्त के साथ तो उसके पिताजी भी उस टाइम स्कूल में आए थे तो तभी उसको मैंने मारा था मतलब दो तीन फटके दिए थे उसके पिताजी ने सब देख लिया था लेकिन उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया मतलब छोटे बच्चे झगड़ा होता रहता इसलिए उन्होंने छोड़ दिया और वो हमारे पापा के अच्छे दोस्त थे वो मुझे अभी मालूम चल रहा है मुझे वो ये फंस गया तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो ट्रक आया ना बड़ा जो ट्रक उसको खींच रहा था उस ट्रक को उसके जो ड्राइवर है वो मेरे दोस्त के पिताजी मतलब जिसको मैंने मारा था तो अभी वो मेरे मुँह को देख रहे थे वो तो उन्होंने पूछा पापा से ये लड़का कौन है करके बोला मेरा बेटा है करके इसको कहा तो देखा है मैंने वाह क्या सीन है इसको कहा तो देखा है लाई शपथ आता बढ़ल बॉम्बला बढ़ल मारा बढ़ल पढ़ाई बढ़ल इतन तो मैं अंदर गया किचन में पानी पिया मैं उधर से काम चालू था काम छोड़ के मैंने बोला दिनेश को तो मैंने दिनेश को बोल दिया तू काम कर ले मैं आता हूँ 5 मिनट में तो मैं आ गया सामने अभी वो जब तक जाते नहीं ना उधर से तब तक मैं यही बैठूंगा देखते अभी क्या होता है क्या नहीं भाई पास्ट इज अ पास्ट जो पास्ट नेवर लीव्स यू आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ लाइफ में कहाँ भी पहुंच जाओ लेकिन आपका पास्ट जो रहता है वो इज अ पास्ट वो आपको मिटा नहीं सकते अच्छा हमको सिखा रहा है बुलाने की कोशिश कर सकते हो एक लिमिट तक भूल भी जाओगे लेकिन इट विल नेवर गो लेकिन आज का दिन तो बहुत मजेदार जा रहा है भाई और एक ट्रक आ गया और एक बस आ गया अभी इसका भी रिमोल्डिंग का काम रहेगा काम पे काम है एक साथ ही सब लोग आ जाते हैं देखो आगे ये यो बस उसका जो काम करना है क्या लिखा है इसके राजगढ़ ज्ञानपीठ 6 अनंत निर्मल ग्लोबल स्कूल CBSE उसका भी काम होने वाला है अंदर भी काम चालू है तो इसका भी अभी रिमोल्डिंग करना होगा इसको टायर के फुल फिटिंग है आज काम ही काम है आज अच्छे से लगने वाले कल भी लगे थे कल तो संडे था संडे को सबको छुट्टी रहता हमको नहीं छुट्टी रहता है क्योंकि बिजनेस है इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो
you have to do on the weekends also. If you want to grow like hell in your life na, so आपको weekend भी काम करना होगा, party शार्टी से दूर रहना होगा. तो बहुत सारे दिन होगा मैं किसी ट्रिप पे गया हूँ कि किसी वीकेंड एंजॉय करने गया हूँ, लेकिन अभी ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ. दिस इज़ व्हाट आई वांट. और जॉब मेरे के कुछ होने नहीं वाले, लेकिन जॉब वाले के तो मज़े ही अलग होते हैं. जो भी मुझे देख रहा है ना, जो मेरे दोस्त लोग जॉब करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, जॉब करो या बिजनेस करो, जस्ट बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. अभी मेहनत कर लो, बाकी ज़िंदगी ऐश करने के लिए है. ये बात तो मैंने अभी सीखी है. आई एम 25 राइट नाउ, मतलब 23-24 तक कुछ आइडिया ही नहीं था किधर जा रही है ज़िंदगी, लेकिन एनीवे देर से ही सही समझ में आ गया एंड वी आर ऑन द ट्रैक नाउ. तो ये वाला अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. तो ये वाला व्लॉग आपको आज ही देखने मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट ही कंटेंट मिल गया है मुझे आज. तो मम्मी ने चाबी घर पर ही शायद भूल गई, कहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा यहाँ पे. तो मम्मी तो जल्दी गई थी स्कूल, उसके बाद मैं और पापा निकल गए फैक्ट्री के लिए. तो लॉक पिक सब कर दिया हमने. तो मम्मी का फ़ोन आया अभी, कुछ तो बज रहे हैं 4. मम्मी का फ़ोन आया, अरे रॉबिन, अरे चाबी किधर है? मैं तो घर के बाहर खड़ी हूँ और चाबी नहीं मेरे पास. बोला अरे मर गए. तो फैक्ट्री से आया मैं, चालू गाड़ी में हाथ दिखा के, धूप में खड़ा था मैं, वैसे हाथ दिखा के गाड़ी से आया इधर, उतरा, लॉक खोला. तो पहले चाबी ढूंढा, तो चाबी कहीं पे भी नहीं मिली. तो एट लास्ट चाबी मिली, वो तो मम्मी के बैग में ही मिली, और मम्मी की बैग मम्मी के साथ ही थी. तो आज पूरा सीन पे सीन. तो ऐसा कुछ मौसम हुआ है शाम का, बहुत दिनों के बाद टेरेस पे आया हूँ मैं. तो अभी चाचा भी निकल गए केरला के लिए, उनके तो मज़े है भाई. फोर व्हीलर है, डालो डीजल पेट्रोल जो भी रहेगा. रात को ड्राइवर रहते हैं गाड़ी में, रात भर गाड़ी चलाते, कल सुबह पहुंच जाएंगे अभी वो केरला. दिस इज़ द हाईवे, नेशनल हाईवे 48, मुंबई टू बेंगलोर.